देख सकते हो ये रास्ता कितना बढ़िया ही बना है, इधर आ जाकर कितना बढ़िया ये रास्ता बना है आप देख सकते हो, जो कि आप हमारे वीडियो में, ये दो लेन हो गया हमारे लेफ्ट साइड, देन दो लेन हो गया हमारे राइट साइड। तो टोटल ये रोड, टोटल ये गाइस बता दूं आपको, ये टोटल रोड हो गया 4 लेन की, जो कि ये बनी है राउरकेला से बरसवा तक। तो बरसवा तक 4 लेन नहीं है, राजा मुंडा तक ही 4 लेन है। तो आप अंत तक हमारे ब्लॉग में बने रहे और आपको ये रोड का जो जर्नी होने वाला है आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर ये रोड बनी है और ये ऊंची ऊंची पहाड़ आप देख सकते हो हमारे उड़ीसा में। तो इस जगह मैं पहुंचा हूँ और आपको बता दूं मैं, जो आगे जो है राजा मुंडा से पहले, तो राजा मुंडा से पहले आपको बता दूं गाइस, राजा मुंडा से पहले टूल गेट भी चालू हो गई है, जो कि अभी टूल गेट लगने लगा है। अभी अगर आप 4 व्हीलर से आप जाते हो, 4 चक्के से, तो 4 चक्का से अगर आप जाते हो तो आपको टूल गेट में 70 रुपये आपको देना पड़ेगा, 70 रुपीज आपको देनी पड़ेगी टूल गेट पार करने के लिए। अभी आप अंत तक बने रहे ब्लॉग में, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस जगह टूल गेट बना है और टूल गेट जो बना है राजा मुंडा से थोड़े सा, राजा मुंडा से थोड़ी दूरी आगे बना है, जुनियानी बोल के जगह है, तो जुनियानी में ही टूल गेट बनी है। तो आप ब्लॉग में बने रहें, आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसा टूल गेट बना है, क्या है, कितना क्या पैसा लगता है। तो मैं तो अपनी गाड़ी में फास्टैग लगा लिया हूँ, तो जो भी कटना होगा वो ऑनलाइन ही कटेगी। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो 4 चक्के की 70 रुपये कटती है, 70 रुपया कटेगी। देख सकते हो आप कितना सुंदर ये रास्ता बना है, इतना बढ़िया ये रास्ता बनी है, जो कि गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है इस रोड में। और जो समय आपको राउरकेला से जाने में परसुआ पहले 4 घंटे लग जाते थे, 3.5 घंटे, अभी वो समय घट के कम हो गई है। अभी आप 1 से 1.5 घंटे में आप बरसवा पहुँच जाओगे, अगर थोड़ी स्पीड आप चलाते हो तो 1 घंटे में, और आराम से अगर आप 80 के स्पीड में अगर आप जाते हो तो आप 1 घंटे में बरसवा, 1.5 घंटे में आप बरसवा पहुँच जाओगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में, ये देखिए अभी यहाँ लिखा हुआ है टोल गेट 1 किलोमीटर, जो कि मैं आपको बता रहा था, अभी 1 किलोमीटर की दूरी पे टोल गेट है, जो कि अभी वो टोल गेट मैं पार करूंगा। और हमारे गाड़ी में तो फास्टैग लगा हुआ है वो ऑटो, और फास्टैग का मतलब है फ्रेंड, मैं बता दूं आपको, फास्टैग अगर जिस गाड़ी में लगी हुई है तो टोल गेट में आपको कैश देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक गेट उठ जाएगी और आप आगे निकल सकते हैं। और भारत सरकार का एक नियम है, अगर आप गाड़ी में फास्टैग नहीं लगाए हो तो एनएच जितने भी हैं भारत में, उसमें आपको अगर आप फास्टैग से आपका पैसा कटता है तो 70 रुपया, अगर आप कैश में दोगे तो आपको देना पड़ेगा उस जगह में कितना आपको, तो उस जगह में आपको फ्रेंड देना पड़ जाएगा 140 रुपये। तो आप देख सकते हैं ये फास्टैग की लेन है और मैं फास्टैग की लेन में अभी प्रवेश कर चुका हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये अभी ग्रीन हो गई, देखिए हमारी गाड़ी नंबर भी यहाँ लिखी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ से, फास्टैग हमारा लगा हुआ था ऑटोमेटिक, ये हमारे फास्टैग अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा 70 रुपये, और NHI को चला जाएगा वो 70 रुपये। और यही अगर मैं नहीं लगा के रखता तो अभी डबल मुझे देनी पड़ती 140 रुपये। तो अभी टोल गेट से पार करते हुए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, जो कि टोल गेट आपको दिखा दिया हूँ। ये टोल गेट राजा
से थोड़ी थोड़ी आगे ये टोल गेट लगी है, तो अभी मैं ये जो पार कर रहा हूँ ये दार्जिलिंग पार कर रहा हूँ। और जैसे कि फ्रेंड मैं बता दूँ, दार्जिलिंग की जो पुलिया दार्जिलिंग ब्रिज पार करने के बाद ही ये टोल गेट है। तो ये टोल गेट एरिया जो मैं जुनियानी आपको बोल रहा था, ये जुनियानी में नहीं, ये दार्जिलिंग में पड़ेगी ये टोल गेट। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं जा रहा हूँ और थोड़ी दूर आगे बढ़ूँगा तो कुछ देर बाद राजा मुंडा भी आएंगे। तो राजा मुंडा छोटा सा ही मार्केट है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ
से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और लेफ्ट जाने के बाद लोनीपरा अंदर वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि इधर रास्ता खराब है। तो हम अभी यहाँ से जो चले लेफ्ट साइड, ये कोयरा रोड हो गया। तो गाइस बता दूँ ये आपको, ये कोयरा रोड है। यहाँ से ये कोयरा की रास्ता हो गई। तो यहाँ से अगर आप सीधे चले जाओगे तो आप कोयरा पहुँच जाओगे इस रोड से। कोयरा बरबिल जुरुडी बांसवानी सारे आपके उंजर ये रास्ते से जा सकते। इसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा लोनीपरा मार्केट। लोनीपरा मार्केट पार करने के बाद आ जाएगा बरसुआ।